जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और पूरे मन से पूरी शिद्दत से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अगेन आपके साथ जुड़ चुका हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। तो दोस्तों ये लीड मैंने सही कर लिया। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसपे साधारण ब्याज की, मैंने इससे पहले भी एक क्लास ले चुका हूँ इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज की। तो आज मैं लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने वाला हूँ प्रीवियस वीडियो का। लगभग वो वीडियो आप देखना, प्लेलिस्ट में जाना, थोड़ा सा वीडियोस में जाना, थोड़ा सा नीचे आने पर आपको मिल जाएगी। मेरी बिल्कुल गुजारिश आपसे कि पहले आप उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आपके बहुत डाउट क्लियर होने वाले हैं। और सभी का कंफ्यूज रहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही टफ टॉपिक है, थोड़ा कैलकुलेटेड, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है टफ। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो रामबाण साबित होने वाला है। बस शर्त ये है, स्टार्टिंग में बिल्कुल पेशेंसफुली बैठना है। भले ही मुझे देखो सब पता है, जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप नेट पेपर की फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, और आज की जो क्लास होने भी वाली है वो नेट यूजीसी पेपर फर्स्ट के लिए स्पेशल होने वाली है। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए क्लास स्पेशल पेपर फर्स्ट के लिए ही है। लेकिन यदि कोई कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ा है हमारे साथ तो वो भी तैयारी कर सकता है। क्यों? चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट तो वही रहना है ना, बस लेवल क्वेश्चंस का बदल सकता है। तो रामबाण फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ, बस ये मत कहना, थोड़ी जल्दीबाजी मत करना, पेशेंसफुली कमेंट भी मत करना, पहले मुझे सिखाने देना। मैं आपको ट्री मेथड भी सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, आपको बॉक्स मेथड भी सिखाऊंगा, रेशो मेथड भी सिखाऊंगा, और एक एक्स्ट्रा मेथड भी सिखाऊंगा। जितने बेसिक एग्जाम वाले हैं उनके लिए मैं बेसिक मेथड भी सिखाऊंगा। लेकिन एक ऐसा तरीका आज आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं जो आपको हर क्वेश्चन से आपको बचाकर ले जाएगा, जो रामबाण साबित होगा आगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए और थोड़ा पेशेंस बना के बैठना है ना। अगर मैं बात करता हूँ सब्सक्राइब करने की, तो देखिए सब्सक्राइब का मतलब क्या है। देखो आपको सब्सक्राइब इसलिए करना है जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े, ये पहला पॉइंट है यूट्यूब पे जुड़ने का कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब आप हमारे साथ जुड़ चुके हो। बेल आइकन इसलिए प्रेस कर लो क्योंकि जैसे ही मैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट डालूंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट की ये डिमांड होती है, सर हमें पता ही नहीं चलता आपने वीडियो कब डाली थी, इसलिए हम लाइव में आपके साथ नहीं बन पाए ना। तो बेल आइकन का मतलब है लाइव में जुड़ना। क्या आपको लाइव जुड़ सकते हो हमारे साथ? कब? जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, इसके बाद जो हमारा प्ले स्टोर पर जेबी स्टडी पॉइंट्स के नाम से ऐप है आप इसको भी प्लीज़ डाउनलोड करो। क्यों? जितनी भी मैं आज पेज कवर करने वाला हूँ, जितनी भी मैं पीडीएफ लेने वाला हूँ, वो सभी पीडीएफ आपको जेबी स्टडी पॉइंट ऐप पर ही मिलेंगी। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करो, स्पेशल यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट वाले, टीजीटी पीजीटी वाले, ये सब तो बिल्कुल कर लो, इन सब तो हाथ और की गुजारिश है मेरी। क्यों? क्योंकि आपको इतना मटेरियल मिलने वाला है, सर की लगभग 3-4 साल की मेहनत, जो इतिहास है, जो रचा है सर ने 3-4 साल में, तो वो सभी का कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, डेली 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का टेस्ट होता है डेली, इस पर तो यहाँ पर जुड़ें और अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें। सर की 2 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुए हैं, ये लॉन्च हुआ था थोड़ा सा पहले लॉन्च हुआ था, इसकी शॉर्टेज है बहुत, लेकिन अभी लेटेस्ट ये वाला पैटर्न स्टार्ट हुआ है। लेटेस्ट प्राचीन भारत का इतिहास जो है ये प्रैक्टिस सेट अभी लॉन्च हुआ है। ये वाकई में रामबाण है जी, अगर आपको बताऊं तो ये वाकई में ही रामबाण है। मतलब ये जो बनाया गया है ना, ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको अलग अलग बुक से छोटे छोटे एमसीक्यू आपको कलेक्ट ना करने पड़े, बड़े बड़े ढूंढने ना पड़े, आपको केवल रामबाण खरीदना है। इसी रामबाण में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इतने डीप मिल जाएंगे कि यूपीएससी आईएएस तक के इसमें सवाल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इससे बड़ी मेहनत लगी है इसका भी, पर ये भाग फर्स्ट है, ध्यान रखना है ना, बहुत मेहनत चल रही है, बिल्कुल कंटिन्यू मेहनत चल रही है। तो चलिए दोस्तों जुड़ जाता हूँ आपके साथ में अब आपके साथ, और
स्टार्ट करता हूँ आज अपना टॉपिक जिसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन आपने कहा था सर पहले हल्का सा रिवाइज करा दो, हल्का सा आपने कहा सर मैं आपके साथ जुड़ूंगा लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कराते रहना, तो मैं रिवाइज भी हल्का सा आपके सामने कराता रहूंगा। एक नाम आता है हमारे सामने जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसे बोलते हैं देसी भाषा में ब्याज बोलते हैं, या अगर और भी हम इसको अच्छे से बोलें तो आप कहेंगे सर ब्याज क्या है, ब्याज है बढ़ोतरी का पैसा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा। जब लाला जी से हम जाएंगे कुछ ब्याज पैसा लेंगे और 2-3 साल बाद जब उसे जब लौटाएंगे जो पैसा हमने लिया था वो तो हम लौटाएंगे ब्याज पर भी पैसा देंगे, मतलब हम उसे एक्स्ट्रा पैसा देंगे, कुछ बढ़ा कर देंगे, कुछ इंक्रीज करके देंगे। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, वैसे बनता है बढ़ा हुआ पैसा, क्या होगा बोलो बढ़ा हुआ पैसा। अब बोलो किस पर बढ़ा हुआ पैसा, तो आप बोलेंगे बढ़ा हुआ पैसा किस पर, जो आपने मूलधन लिया था, ठीक है जी, मूलधन पर बढ़ा हुआ पैसा क्या कहलाएगा आपका, ब्याज कहलाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जरा इन जो आई लिखा है इससे देखिए इंक्रीज बनेगा, क्या बनेगा इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ा हुआ, इंक्रीज कर देना, कुछ ज्यादा कर देना। तो ब्याज का मतलब मैंने आपको ये सिखाया था, मार्कर चेंज कर लेता हूं एक बार। और मुझे एक चीज बताओ, मैंने इंटरेस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करके दिखाया था आपको, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कितने पार्ट में डिवाइड किया था मैंने इसको, इंटरेस्ट को मैंने आपको सामने दिखाया था 2 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया था, इंटरेस्ट को किया था हमने 2 पार्ट में डिवाइड। इंटरेस्ट को क्या था हमने 2 पार्ट में डिवाइड। अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ पहला टाइप इसका जिसे बोलते हैं हम साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे क्या बोलते हैं हम साधारण ब्याज बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप इसे, शॉर्ट में बोल देते हो SI, शॉर्ट में आप क्या बोलते हो इसे SI फुल फॉर्म मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड अगर बात करूं तो सेकंड मैंने बताया था, अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो दूसरा आता है सामने चक्रवर्ती ब्याज। टुडे इज माय टॉपिक हियर चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को आप शॉर्ट में क्या लिखते हो CI, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हो। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं तो इसकी क्वालिटी क्या होती है, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करता हूं आपके सामने तो इसकी क्वालिटी होती है कि ये मूलधन पर लगता है, मूलधन पर लगने वाला ब्याज, मूलधन पर लगने वाला ब्याज। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, चलो डायरेक्ट इसकी बात कर लेते हैं एक बार, अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करते हैं इस पर हम खुश कभी नहीं होते, पहली बात तो ये है इस ब्याज को देते समय हम कभी खुश नहीं होते, हमें हमेशा मायूसी ही छाई रहती है ना, इस पर हम कभी खुश नहीं होते। तो बताइए चक्रवर्ती ब्याज, आप बोलेंगे मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और मूलधन पर जो ब्याज मिला है दोनों पर लगने वाला ब्याज, चाहे चलिए दोस्तों कहाँ थे हम, चलो तो अगर चक्रवर्ती ब्याज की हम बात करते हैं तो चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या है, ये मूलधन पर भी लगेगा और मूलधन पर जो हमें पहले साल का ब्याज मिलेगा तो वहां से ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे मूलधन और ब्याज दोनों पर लगने वाला ब्याज, लगने वाला ब्याज। जिसे अगर हम बोलते हैं कि अगर हम इसे डायरेक्ट एक लैंग्वेज में बोलते हैं, आपने कभी भी इस चैप्टर को सीखा होगा तो क्या क्या कहा होगा, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज के नाम से बहुत फेमस है। कभी हम चक्रवर्ती ब्याज हमने भी सीखा होगा कभी। देखो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं कभी आज तक नहीं बोली ये बात लेकिन आज बोल रहा हूँ, आप ना मेरी एज पर मत जाना और मेरी जो एज है ना उस चीज़ मत जाना, उस चीज़ से मुझे कंपेयर मत करना, आप मेरी नॉलेज से कंपेयर करना है ना। चलिए तो क्या ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, उसमें हम क्या देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज। और कुछ सीखते हैं,
अगर हम बात करते हैं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में हमने सीखा था कि ये हर साल इक्वल रहता है, मतलब हर एक साल, क्या सीखा था हमने, हर साल इक्वल रहता है। इक्वल मतलब समान रहता है, हर साल क्या रहता है, समान रहता है। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो ये तब तो समान रह सकता था, कब, जब केवल मूलधन पर ब्याज लगता। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है, चूंकि मूलधन पर ब्याज लग चुका है, अब हमारी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप खुद देखेंगे कि ये कंट्रोल नहीं, तो ये ओवर कंट्रोल होता है थोड़ा सा ब्याज। जैसे बोलेंगे हर साल बदलने वाला ब्याज। आप में जब एग्जांपल दूंगा तो आप खुद कहेंगे कि ये हर साल बदलेगा, चाहे एक रुपया दो रुपया ही क्यों ना बदले, लेकिन हर साल ये बदलेगा। तो दोस्तों छोटा सा हुआ ये था, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया आपको कि ब्याज क्या है। ब्याज एक अलग पैसा है जो हमें एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं, अपने मूलधन से एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। टू पार्ट्स में डिवाइड किया, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज की बात करें तो केवल ये मूलधन पर लगेगा, प्रिंसिपल पर लगेगा, अर्थात जो पैसा हमने उधार लिया है केवल वो उस पर ही लगेगा, हर साल उसी पर लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज की बात करिए तो जो मूलधन पे पहले साल में जो हमें ब्याज मिला, उन दो को हम मिला लेंगे, इसके बाद क्या होगा, इन दोनों पर लगने वाला जो ब्याज होगा उसको हम चक्रवर्ती ब्याज बोलेंगे। अर्थात ब्याज पर भी ब्याज लगे तो वो कैसा ब्याज होगा, हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा। कभी को जब मैं इसे हंसी मजाक में सिखाता हूँ टॉपिक को, तो मैं सिंपल बताता हूँ कि सेम इंटरेस्ट, मैंने क्या बताया, सेम इंटरेस्ट मतलब नाम से जानो, सेम इंटरेस्ट। CI का मतलब चालू ब्याज, जो चालू लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं पेज की ओर। तो हमारा टॉपिक है सेकंड टॉपिक है हमारा, इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। जिसको हमने नाम क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की ही बात करता हूं आपके सामने, तो मुझे सबसे पहले इसमें आपको एक चीज सिखानी होगी, वो चीज़ क्या है, आप सभी जानते हो कि सर आप जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो तो आप हमें ना उस चीज़ के टाइप सिखाते हो। क्या सिखाते हो बोलो, मुझे इसको आपको टाइप सिखाने होंगे कि इसमें एक्चुअल में कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हमारे सामने। तो मैं अगर आपके सामने बात करता हूँ तो इसके सामने, हमारे सामने लगभग चार टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला जो होता है वो होता है CI based question। CI based question मतलब चक्रवर्ती ब्याज निकालो, मतलब CI का मतलब वो आपसे पूछेगा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है ना। आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे ऐसे। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो वो आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे हम, ऐसे कहेंगे ब्याज की दर पर आधारित। तीसरे की बात करें तो हम बात करेंगे यहां पर प्रिंसिपल निकालने की। प्रिंसिपल के साथ हम निकालेंगे अमाउंट, और बात करें यहाँ पर निकालने की टाइम। खिचड़ी बिल्कुल नहीं पकानी हमें, अगर खिचड़ी पकाई ना तो जितना सीक्वेंस हम चीज़ें सीख रहे हैं वो सब बेकार होने वाला है। पहले टाइप बता रहा हूँ, फिर आज पहला टाइप आज स्टार्ट कर देंगे, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना।
तीसरे की बात करता हूं तो आप सभी ने देखा होगा चक्रवर्ती ब्याज निकालना, चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित। और आपने क्या सीखा होगा, मैं लास्ट बात करता हूं मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन, भिन्न भिन्न प्रकार के। ये ना हर एक एग्जाम को लेकर, हर एक एग्जाम को लेकर ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फोर किसके लिए, अगर हमें कुछ अच्छा पेपर दे रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो जब कुछ उसे अलग पूछना होता है ना, जब उसे स्टूडेंट की आईक्यू लेवल चेक करना पड़ता है, क्या इसने रटा है या इसे समझा है। अगर उसने समझा है तो आपको वो मिसलेनियस से क्वेश्चन देगा। मिसलेनियस में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब कुछ अलग वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो हमारे सामने चार इसके टाइप बन चुके हैं। तो बोलिए आज मैं आपके सामने क्या स्टार्ट कराने वाला हूं, आज जो मैं आपके सामने स्टार्ट कराने वाला हूं वो है आपका फर्स्ट टाइप होने वाला है ना। अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करता हूं तो फर्स्ट टाइप में हमसे कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखना, तरीका क्या है। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं किसकी, बोलो, मैंने आपके सामने बात की चार टाइप है हमारे, इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इस पर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं, चक्रवर्ती ब्याज पर हम कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज में भी वो हमारे सामने कई गेम खेलेगा हमारे सामने। कभी क्या होगा, हमें टाइम अर्धवार्षिक देगा, कभी टाइम हमें क्वार्टरली देगा, जिसे बोलते हैं त्रैमासिक। कभी कहेगा चार महीने का चक्रवर्ती ब्याज करो, सात महीने का चक्रवर्ती ब्याज करो। तो ब्याज की दर वो हमसे अर्धवार्षिक ऐसे कर सकता है, एनुअली तो हम कर लेते हैं सब, वार्षिक तो कर लेते हैं। फिर कहेगा दूसरा गेम हमसे खेल सकता है कि दो साल का चक्रवर्ती ब्याज नहीं, आप निकालो 2/3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, हमें टाइम देगा फ्रैक्शन में। तो हमें ये सीखना होगा कि हमसे कितने गेम इसमें खेल सकता है वो। चक्रवर्ती ब्याज को अगर हमें सवाल करने हैं तो हमसे किस किस टाइप के हमारे सामने कन्फ्यूजिंग आ सकती हैं। तो चार टाइप ही कन्फ्यूजिंग है वे, मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, पेशेंस बना कर रखना। चलिए दोस्तों, वो पहली टाइप क्या है आपके सामने, मैं पहली टाइप लेने वाला हूं। वो पहली टाइप क्या, अगर मैं पहली टाइप की आपके सामने बात करता हूं तो पहली टाइप है जिसमें वो आपको जो ब्याज की दर है वो वार्षिक भी पूछ सकता है। पहली चीज बोलो वार्षिक, ब्याज की दर कैसी हो बोलो, वार्षिक हो, वार्षिक मतलब एनुअली, एनुअली मतलब पूरे साल पर। मैंने कहा ब्याज की दर 5% एनुअली है, 5% पर एनम बोलते हैं, या हम कहते हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर है, या वो ब्याज की जो दर दे सकता है हमें क्या दे सकता है, वो अर्धवार्षिक ब्याज की दर दे सकता है हमें अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, जिसे मैं शॉर्ट में यूज करूंगा एच वाई से, और जो एनुअली होगा इसको मैं करूंगा एएम से, एनुअली पर एनम, इसको बोलते हैं पर एनम, यूज कर दूंगा पर एनम, मतलब हर एक साल के लिए यूज करेंगे उसको पर एनम। और हमसे क्या गेम खेल सकता है वो, तो आप कहेंगे सर वो हमसे गेम ब्याज की दर क्या दे सकता है, त्रैमासिक, त्रैमासिक क्वार्टरली, क्वार्टरली
क्वार्टरली की बात करूंगा तो केवल उसके लिए ब्याज के साथ क्वार्टरली यूज कर रहा है। और अगर मैं बात करूं कि ये तो सब बिफोर है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट दिखा लीजिए, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर आप कुछ बेसिक क्वेश्चन देखोगे ना, पुराने पुराने क्वेश्चन, तो यही फंडा यूज किया गया उनमें, उन सभी में कंटिन्यू ये फंडा यूज हुआ है। लेकिन अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें वो क्या कंफ्यूजिंग कर रहा है, वो कंफ्यूजिंग कर रहा है वो टाइम जो दे रहा है ना, वो टी मंथली दे रहा है, टी मासिक। टी मासिक का मतलब है, इसे बोलूंगा मैं टी मंथली, वो क्या गेम खेल रहा है, वो आपके सामने ना तो पूरे साल, पूरे साल मतलब 12 महीने का ब्याज, अर्धवार्षिक 6 महीने का ब्याज नहीं, त्रैमासिक 3 महीने का ब्याज नहीं, वो आपसे इनके बीच का कुछ पूछेगा। मैंने कहा वो पूछेगा आपसे 7 महीने का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, वो पूछेगा 8 महीने का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, 2 महीने का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो इसको बोलेंगे टी मंथली हम, ठीक है। इसके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, अगर मैं कहूं आपसे तो ये क्या चल रहा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, बिल्कुल ध्यान रखे इस पर, और इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। टी मंथली ज़्यादातर डाउट हमें इसी में होते हैं, ज़्यादातर जो हमें कन्फ्यूजिंग होती है वो इसी में होती है। जो कंफ्यूजिंग होती है ना वो हम यही होती है। अब हमने सीख लिया कि यहाँ वो गेम खेल सकता है, थोड़ा थोड़ा गेम हमारे साथ यहाँ खेल लेगा। अब दूसरा गेम बताओ क्या होगा, आप सभी को पता है वो दूसरा गेम हमारे साथ क्या खेल सकता है, वो खेल सकता है हमसे किसमें, समय में। अगर उसने हमारे सामने दिया 2 वर्ष का, क्या दिया 2 वर्ष का साधारण ब्याज करो, बिल्कुल आसान है हम सब कर लेंगे, 3 वर्ष का निकालो हम सब कर लेंगे। लेकिन जब वो हमारे सामने गेम खेलेगा कि भैया 2/3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज याद करो, कहेगा 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करो, 5/6 वर्ष का साधारण वर्ष याद करो। अगर बात करूं आपके सामने, ये सब के सब लेटेस्ट पैटर्न में चल रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि आप सभी को पता है अब लेवल कितना अप हो चुका है क्वेश्चंस का भी और आज के टाइम में कंपटीशन का भी, तो हमें चीज़ों को डिटेल से सीखना होगा। मैं आज जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख रहे होंगे आज मैं कितना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है आपको। जल्दीबाजी मैंने खुद ये फील कर लिया कि जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ टॉपिक छूट ही जाता है। थर्ड नंबर पर वो हमसे क्या गेम पूछ सकता है, तो थर्ड नंबर पर हमारे साथ वो शरारत कर सकता है, वो ये है कि जो आपको जो टाइम देगा ना, वो हर साल का ब्याज की दर आपको बदल देगा, ब्याज की दर हर साल आपको बदल देगा। कैसे बदल देगा, वो आपको कहेगा पहले साल की जो चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है, फर्स्ट ईयर की जो ब्याज की दर है वो है 5%, फिर कहेगा अगले साल की, सेकंड साल की जो ब्याज की दर है, सेकंड साल की ब्याज की दर है वो होगी आपकी 10%, अगले साल की जो ब्याज की दर है, तीसरे साल की है तुम्हारे सामने 20%, तो ऐसे ही वो करके देगा आपको ब्याज इधर बदल बदल कर देगा। तो हमें इस कर भी क्वेश्चन को सीखना होगा, इसका सिंपल क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का साधारण चक्रवर्ती ब्याज याद करो, पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%, सो इजी। बट दिस कंफ्यूजन, हर एक साल की परसेंटेज वैल्यू ब्याज की दर वो बदल देगा, तो हमें इस पर भी सीखना है कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं लास्ट की बात करता हूँ फोर्थ की, तो आप बताएंगे फोर्थ बनेगा जब वो हमसे पर्टिकुलर ईयर की, एक पर्टिकुलर ईयर का हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा, तो एक पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर का हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा, जैसे मैं कह लूँ सेकेंड ईयर का दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, पहले का नहीं दूसरे का, दोनों का नहीं, डायरेक्ट पूछा एक पर्टिकुलर दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा, तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, ठीक है।
उन्हें कहा पांचवें वर्ष का फिफ्थ ईयर का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने टाइप डिस्कस कर लिए हैं, चक्रवर्ती ब्याज कितने टाइप है तो आप बताएंगे। सर चार टाइप से हमारे सामने क्वेश्चन बनेंगे, चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित जिसमें हमें रेट निकालना होगा वो, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम इनको हम साथ लेंगे, तीसरा पैटर्न हो गया, फोर्थ पैटर्न जिसमें अलग अलग पूछेगा। तो टुडे आज इसमें टॉपिक टुडे टॉपिक बताइए आप। तो टुडे हमारा टॉपिक बनने वाला है जिसमें हम चक्रवर्ती ब्याज निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, प्लीज जिसको नोट करना है अपना फेयर जो भी मेंटेन कर रहे हो आप उसमें आप इस चीज को नोट कर सकते हो। बड़ी मेहनत लग रही है ना टॉपिकों में, क्योंकि सीक्वेंस वाइज अगर हमें चीजें मिलती हैं तो हमें चीजें आसान लगती हैं, अगर हमें सीक्वेंस वाइज चीजें नहीं मिली ना, मैं कसम से कह रहा हूँ हमारा जो डाउट है ना भी कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए दोस्तों अब पहले ना थोड़ा सा कंसेप्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले चलने वाले हैं हम कंसेप्ट की ओर। यदि हमारा कंसेप्ट परफेक्ट है तो तभी हमें क्वेश्चन करने में मजा आएगा। यदि आप स्माइल दें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। अब मैं बार बार ये बात रिपीट बिल्कुल नहीं करूँगा कि वीडियो को लाइक करें शेयर करें, बस अगर कंसेप्ट में मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक करके बिल्कुल जाना वीडियो को। देखो मैंने आपके सामने, आप सभी को पता है कभी आपने छोटी क्लास में होंगे आप एट्थ में आपने ये सब फॉर्मूले सीखे होंगे। कौन से? अगर हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मूले की, अगर हम बात कर लेते हैं बेसिक फॉर्मूले का आपने सभी ने यूज़ करा होगा। क्या फॉर्मूला होता था बेसिक फॉर्मूला? अगर हम अमाउंट की बात करते थे तो अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल का 1+rate/100/n जिसे बोलते हैं टाइम, आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा। दूसरे फॉर्मूले की बात कर लूँगा जिसमें हम क्या निकालते थे, CI निकालते थे डायरेक्ट, प्रिंसिपल 1+r/100^(n-1)। इस टाइप के आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मूले देखे होंगे और मैं आपसे एक ही वादा करता हूँ आपसे कि यदि मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूलों का यूज़ कराया और फॉर्मूलों का यूज़ करा के आपको चीज़ें समझाई तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आने का। मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ, ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए तो हैं लेकिन मैं इनका आपके सामने यूज़ बिल्कुल नहीं कराऊँगा, इनका यूज़ बिल्कुल नहीं कराऊँगा। क्योंकि अगर हम फॉर्मूलों से चले तो जब क्वेश्चन डेप में पहुँचेगा, गहराई में पहुँचेगा और बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ आपके फॉर्मूले क्या सब फेल होने वाले हैं। वहाँ केवल एक ही चीज़ काम आने वाला है जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैथड जिसे बोलते हैं बॉक्स मैथड। आप सभी डिमांड मेरे सामने बिल्कुल करेंगे, करनी भी चाहिए। आप बोलेंगे सर हमें रेशो मैथड ही बताओ, सर हमें ट्री मैथड ही बताओ, बॉक्स मैथड ही बताओ, सब बताओ। मैं आपके सामने एक चीज़ बोलूँगा, मैं आज केवल आपको एक ही पैटर्न सिखाऊंगा, वो होगा हमारा बॉक्स मेथड जो हर सवाल का तोड़ होगा। बेसिक क्वेश्चंस के लिए आप कोई सा भी फॉर्मूला कोई सा भी मेथड अजमा लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करके भी दिखाऊंगा उससे। लेकिन मैं आपके सामने एक ही पैटर्न यूज करूंगा जिसका होगा बॉक्स मेथड, वो सबका रामबाण होगा, आपको उन क्वेश्चंस को डील करा देगा आपको, जो क्वेश्चंस आप पेपर में छोड़ कर जाते हो उन क्वेश्चंस को भी फिर आप करने लग जाओगे। बस शर्त है पेशेंसफुली पहले चीज़ों को समझते रहना। आपने कभी ये पैटर्न सीखा होगा, जब आपने मेरे से कभी परसेंटेज चैप्टर सीखा होगा तो ज़रूर आपने ये चीज़ सीखी होगी। क्या मैंने कहा कुछ पैसा था हमारा, कुछ हमारा पैसा है, वो क्या हुआ R% की उस पर रेट लगी, 8% की रेट लगी और रेट लगने के बाद वो पैसा कुछ हो गया। 10,000 रुपये था, 10,000 पे 5% का ब्याज लगा, 10% का ब्याज लेते हैं, 10% का ब्याज 1,000 हो गया, ये 11,000। अब 11,000 होने के बाद फिर इस पर R% की रेट लगी और रेट लगने के बाद ये पैसा कुछ और हो गया, फिर इस पर R% की रेट लगी, फिर ये लास्ट में कुछ और हो गया जिसे हम अंतिम रूप में क्या बोल देते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल था जैसे मैंने कहा कि 10,000 रुपये थे हमारे पास, 10,000 रुपये हमारे पास थे, 10,000 पर हमने 10% का ब्याज लगाया, तो पहला ब्याज हमने पर लगा तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, कितना होगा 1,000, तो 1,000 और 10,000 कितने हो जाएंगे 11,000। फिर इस पर 10% का ब्याज लगा, 10% कितना होगा इसका 1,100।
फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, फिर यहाँ यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, तो आप पे क्या हो जाएगा, ये जुड़ता 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 था, ये प्रिंसिपल होगा और ये हमारा अमाउंट होगा। तो आप बिल्कुल, जो स्टूडेंट मेरे से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं वो खुश हो गए होंगे, थोड़ा सा खुश तो ना बिल्कुल होना चाहिए, उनको खुश होना भी चाहिए। आप कहेंगे सर अरे आला सिम्बा आरा, तो आप क्या बोलने वाले, बोलो, आप बिल्कुल बोलने वाले, अरे सर इसे आपने किस नाम से सिखाया था इस पैटर्न को, इसका भी शॉर्ट करके आपने क्या सिखाया था, आपने कहा था दिस इज अ, क्या बोलेंगे, दिस इज अ सक्सेसिव मेथड, क्या बोलेंगे, दिस इज अ सक्सेसिव मेथड। और जहाँ सक्सेसिव मेथड की बात आती है और आपकी स्माइल आ जाती है फेस पर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। जितने अब नए मेंबर जुड़े हैं वो प्लीज़ कंटिन्यू जुड़े रहना, बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं आगे। तो सक्सेसिव मेथड है, तो आप कहेंगे सर अगर ये सक्सेसिव मेथड है तो हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है चक्रवर्ती ब्याज, और चूंकि ये सक्सेसिव मेथड है तो हम इसमें सक्सेसिव मेथड की हेल्प से इसमें क्या भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर फिर तो हम इसमें रेशो मेथड भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, रेशो मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, फिर इसमें हम सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों दोनों हमारे पास आते हैं, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा सीखना है कि रेशो मेथड भी हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने कहा प्रिंसिपल कितना था हमारा 10% की हमें ब्याज लग रहा था, आपने कहा 10% का इंक्रीज हुआ, 10% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 की वृद्धि हुई, तो रेशो मेथड अकॉर्डिंग टू रेशो मेथड क्या होगा, 10 पे 1 की वृद्धि हुई, फिर 10 पे 1 की वृद्धि हुई, 3 साल की बात कर रहा है, तो बोलो कि कितना हो गया, उसका बोलो 1000, 1000 और इसका रेशो 30:31। तो हम इस वाले पैटर्न से हम क्वेश्चन कर लेंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल कर लोगे, आपको ही करना है, मुझे केवल समझाना, आपको तो करना है। तो सर ये तो हम जानते हैं और हमें मजा भी आया, अब क्या कि जो हमने सक्सेसिव मेथड सीखा था, रेशो मेथड सीखा था, वो हम पे आता है, इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज में कुछ नया नहीं है। मैं कहूंगा बिल्कुल नया है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखो, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। अब आप मुझे बताइए कि सर आप बहुत देर से कर रहे थे रामबाण मेथड क्या होगा, अगर मैं बात करूं आपके सामने चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज में आपके सामने कितने मेथड आपको देखने को मिलते हैं, कितने मेथड देखने को मिलते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कि सर आपके सामने 3 मेथड हमारे सामने, हमें हमने करे भी हैं इन 3 मेथड से, आपने नहीं करा होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप कहते हैं सर हमने कभी ना कभी ट्री मेथड से भी क्वेश्चन सीखे हैं, चक्रवर्ती ब्याज के ट्री मेथड से भी फॉर्मूले सीखे हैं, बोलो हाँ या ना, ट्री मेथड से भी हमने फॉर्मूले सीखे हैं, चलो छोड़ो ट्री मेथड नहीं बनाता कि नाम ही लिख देता हूँ, तो हमने ट्री मेथड से भी क्वेश्चन रखे हैं। दूसरा मेथड जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो कौन सा, बॉक्स मेथड। सर बॉक्स मेथड से हमने आज तक नहीं करे सवाल, लेकिन हमने रेशो मेथड जिसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड से कर रखे हैं, बस मुझे सक्सेसिव मेथड का यूज दिखाना है, सक्सेसिव मेथड जिसे ब्रैकेट में लिखते हैं रेशो मेथड या बोलते हैं फ्रैक्शन में चेंज कर मेथड। सर हमने इससे भी सीखे हैं। सर आप बहुत देर से कह रहे हो रामबाण तरीका क्या है, वो रामबाण तरीका क्या है, मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ आज, दिस इज अ बॉक्स मेथड। अरे बोलते ही नहीं हो, बोल दो एक बार, जरा बोल दो एक बार, प्यार से बोल दो, जैसे प्यार से आप उनसे बोलते हो ना, किन से, समझिए। तो आपको बॉक्स मेथड का यूज़ कराना सिखाऊंगा मैं, तो बॉक्स मेथड क्या है, आइए दोस्तों मेरी साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल ध्यान देना, जिसके अभी तक कुछ भी समझ में ना आया हो, इस पेज में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं जान चुका हूँ, खुद फील हो जाती है। इसे मैंने समझाया था कि जो फॉर्मूले होंगे मैं उनका यूज़ नहीं कराऊंगा। फिर मैंने आपको सेकंड पार्ट में थोड़ी झलक दिखाई कि हमने जो पिछली क्लासेस में परसेंटेज में हमने ये मेथड किसको रिप्रेजेंट करता था, सक्सेसिव मेथड को, जब कंटिन्यू वृद्धि होती है, हर साल वृद्धि होने लगती है, तो वृद्धि जब होती है तो हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड, जैसे रेशो से करते हैं। ये मैंने एक झलक दिखाई, आपको थोड़ा सा मन में खुशी होगी कि सर हमने ये तो हमें आता है, थोड़ी सी खुशी देना चाहता हूँ आपको। लेकिन जो जिन्होंने आज तक कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा ही नहीं है, तो उनके लिए भी तो मुझे कुछ नया सिखाना होगा, कुछ ऐसा जो कर जाए कमाल, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ से आप समझना स्टार्ट कर देना
मैंने कहा कि मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। क्या लिए? 10,000 उधार लिए, मतलब प्रिंसिपल मेरा कितना है? 10,000 रुपये। प्रिंसिपल जो है वो मेरा 10,000 रुपये है। प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपये है। और मैंने किस रेट पर लिए? तो जिस रेट पर मुझे उसने पैसे दिए वो रेट थी मेरी कितनी? बोलो, रेट थी उसने जो ब्याज पर दिया मुझे पैसा उसकी रेट थी 10%। स्टार्टिंग है तो प्लीज मैं स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल सिंपल वैल्यू ही लूँगा, जिससे कि हमारे आसानी समझ में आ जाए। तो और उसने कहा, भैया टाइम, मैंने पैसा लिया 10,000 रुपये, रेट लगाई उसने 10%, और टाइम जब उसने पूछा, भाई तुझे कितने कितने साल के लिए पैसे चाहिए? मैंने कहा, भाई मुझे 2 साल के लिए भी पैसा दे सकते हो? भैया हाँ, 2 साल के लिए हो। वो कह रहा, भाई तू 3 साल के लिए ले ले, तू 4 साल के लिए ले, तू जितने साल के ले रहा है तू ले ले यार, तो अपना दोस्त है, बस ब्याज टाइम पर दे देना, आ जाओ। तो ये पैसे लगाया। तो जो मैं आज आपको मेथड सिखाने वाला हूँ, बॉक्स मेथड, उस मेथड में हमारा प्रिंसिपल वही रहता है, रेट वही रहता है। बस मुझे आपको जो सिखाना है ना, कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हम बहुत जल्दी कैसे निकाल लेंगे, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हम बहुत जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज हम बहुत जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, अरे सर जी 4 साल का कैसे निकाल सकते हैं। आप ध्यान रखना, ट्री मेथड और बॉक्स मेथड, इनमें ना टक्कर चलती है पूरी। कोई ट्री मेथड तो करता है, कोई बॉक्स मेथड, कोई ट्री कोई बॉक्स, कोई ट्री कोई बॉक्स। मैं आपसे कहूंगा, मैं आपको ट्री मेथड से भी क्वेश्चन बताऊंगा, बॉक्स मेथड से बताऊंगा, और आपको सक्सेस से भी बताऊंगा। फिर आप कंपेयर करके मुझसे बिल्कुल बताना कि सर वाकई में बॉक्स मेथड बेस्ट है, ये वाकई में बेस्ट है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के जो बेसिक सवाल हैं उन आप किसी भी मेथड से करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बॉक्स मेथड का यूज़ करते जाएं, जो मेरी वीडियो बनेगी है चक्रवर्ती ब्याज की, लगभग 4 से 5 क्लास में मेरा टॉपिक ये ख़त्म होगा। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं इसमें आपको क्या कराने वाला हूँ, कंसेप्ट कराऊंगा विद, इसमें 4-5 सवाल करूँगा। नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें कंटिन्यू होगा। कंसेप्ट बिल्कुल समझ लेना ध्यान से, बॉक्स मेथड की प्रैक्टिस करना, ये बॉक्स मेथड ही आगे वो होगा जो आपको, जिन क्वेश्चन को आप पेपर में छोड़ जाओगे उन क्वेश्चंस को आप बॉक्स मेथड से बहुत जल्दी उड़ा दोगे, ठीक है? आ जाओ। तो बताइए सर, आपने कहा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो आपको बॉक्स मेथड में क्या करना है? अगर मैं बॉक्स मेथड की बात करता हूँ तो नाम से पता है हमें 2 बॉक्स बनाने होंगे। अगर 2 साल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमसे वो चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, कितने साल का? 2 साल का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 बॉक्स बनाने हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं आपको? आपको 2 बॉक्स बना देने हैं उसके लिए। क्या कर देने हैं? 2 बॉक्स बना देने हैं। कितने साल की बात थी? 2 साल की। 2 बॉक्स बना दो, साथ में 2 साल यहाँ लिखा आपने, 1 साल यहाँ लिखा, प्लस का साइन लगा दो। क्या इसमें कुछ था? आपने कहा, यदि सर 3 साल हुए तो क्या करने वाले हैं? सर 3 साल यदि हुए तो आप कितने बॉक्स बना देना? 3 बॉक्स बना देना। कितने बॉक्स बना देंगे ना? 3 बॉक्स बना देना। सर एक ही लाइन में आंसर आएगा, क्योंकि बात 3 साल की है, 3 लगाओ, 2 लगाओ और 1 लगाओ। आप कहते सर 4 साल होते, तो मैं कहता भाई अब 4 साल लगा लो, अब 4 बॉक्स बना लो। 5 साल लगा लो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। आप पहले 2 साल का समझते हैं, फिर 3 साल का समझेंगे। मार्कर चेंज कर लेता हूं। बिल्कुल पेशेंस बना के बैठे हैं, चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखें, थोड़ा स्लो देखें। जो वीडियो को रिकॉर्डेड देखता है ना, उससे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन अगर आपको चीजें पहली बार सीख रहे हो तो आपको वीडियो स्लो करके ही देखनी है, ठीक है, जो नेचुरल स्पीड होती है। तो बिल्कुल ध्यान देखना, बॉक्स मेथड आपके सामने स्टार्ट होने वाला है। तो आ जाओ दोस्तों, देखो इसने कहा प्रिंसिपल 10,000 है, उस पर पहली साल जो ब्याज रहेगा वो है 10%। 10,000 का 10% क्या होगा? आप बिल्कुल जानते हो कि सर 10% और 1% निकालना आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखा रखा है। कैसे? मैं कहूँगा 10% निकालना है तो एक अंक पहले क्या लगा दो? दशमलव लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10%। अगर आपके सामने लिखा है 1, 2, 3, 4, 10,000 लिखा है, आपने कहा कि सर इसका 4% निकालो, भाई 10% तो इजी है, 10% निकाल लिया, एक अंक पहले जीरो पॉइंट लगा दो, 10% आ गया। अब चाहे हमसे 20% पूछ लें, 30 पूछ लें, 40 पूछ लें, बस मुझे मल्टीप्लाई करनी है। 10% की वैल्यू है 1,000, तो 40% क्या होगी? 4,000। सिंपल मल्टीप्लाई।
अगर आपसे पूछता है कि सर 4% की वैल्यू क्या होगी, अब 4% ना निकाले, उसका पहले 1% निकाल लें। मैं पूछूं 1% कैसे निकलेगा, एक दो अंक पहले लगा दो, ये रहा। अगर 1% 100 है तो 4% कितना होगा, 400 का। इसका यूज होगा आगे आगे। चलिए दोस्तों, तो बताइए 10,000 का 10% कितना हुआ, 10,000 का 10% हुआ मेरे सामने 1,000। बोलो हाँ या ना। जो बेसिक तरीके सीख रहे हैं वो निकाल भी सकते हैं भाई, जो पहली बार देख रहे हैं, जिनको बिल्कुल मजबूती सीखना है वो ऐसे निकाल भी सकते हैं। 10% 20 से 20 कट गई, कितना आ गया 1, 2, 3, वे निकाल भी सकते हैं, कोई वो हो नहीं है। देखो ये सब उनके लिए जो थोड़ा सा सीख चुके हैं ना, उनके लिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बताइए मुझे कि पहले साल ये कौन साल की बात चल रही है, फर्स्ट ईयर चल रहा है, बोलो ये पहले साल की बात चल रही है। अभी 10,000 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे सर 1,000 होगा जो उसको पहले साल ब्याज देना है। क्या बोला मैंने, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 जो उसे पहले साल इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है। बिल्कुल सही है सर। सर तो फिर आपने ये दूसरा बॉक्स क्यों बनाया, तो आप मेरे साथ जरा पीछे चलिए एक बार। चक्रवर्ती ब्याज की खासियत क्या थी, आप उसे मुझे बताओ इसकी खासियत क्या थी, बोलो, रीड करो एक बार सामने, एक बार इसकी खासियत थी आपके सामने, ब्याज पर भी ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो ये वाक्य में जो 1,000 आया है, जो 1,000 ये आया है, ये क्या है, ये आपके सामने ब्याज ही तो है। बोलो ये आपके सामने ब्याज ही तो है, जो आपके सामने 1,000 लिखा है ये ब्याज ही तो है। अरे बोलो ये ब्याज ही तो है, चूंकि चक्रवर्ती ब्याज है तो ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो अब आप 1,000 का क्या निकाल लो, 10%। तो 1,000 का 10% क्या होगा सर, एक अंक पहले लगा दो, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो 1,000 का 10% क्या हो गया, 100 हो गया। तो हमने क्या चीज सीखी, आपने बताया था सर पहले कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो पहले साल का जो आपने ब्याज निकाला वो था 1,000। अब दूसरी साल क्या होगा, अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरी साल जब होगा तो हमारा ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। बात हो चुकी है बिल्कुल सिद्ध, प्रूव हो चुकी है, जो मैंने पहले लिखवाया था उसको मैंने आपको पहले एक बार करके दिखाया भी, आगे भी बात रिपीट होंगी, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें। तो एक लाइन में आंसर आया नहीं आया, बोलो हाँ ना। तो आप कहेंगे सर कैसा आ गया, 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें कितना आया, 2,000 और 100 2100। तो हमारा आंसर आ गया 2,000 + 21, चलो छोड़ो डायरेक्ट लिख लो सर जी, इतना तो कर सकते हैं हम, 2100। तो दो साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 2100 हमारा चक्रवर्ती ब्याज, दो साल का चक्रवर्ती ब्याज आ गया 2100। आपके मन में बहुत डाउट चल रहे होंगे, सर हमारे पास और भी मेथड है, हम उनसे भी कर सकते हैं इस सवाल को, हम उनसे भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखो, जितनी आपको मेहनत करनी है वो आज की क्लास में मेरे साथ कर लो, अगली क्लास में मैं आपसे खुद वादा करता हूँ आप खुद ये बात बोल दोगे, जब सवाल डेप में पूछेगा, सवाल कुछ अच्छा पूछेगा तो आपको वहां से छुड़ा कर कौन ले जाएगा, ये बॉक्स मेथड ही ले जाएगा। मेरे पे विश्वास रखना, सभी मेथड से करूंगा, इस मेथड से भी सबसे करा दूंगा मैं, चिंता मत करो। अगर यही होता तीन साल के लिए तो कितने बॉक्स बनते, बोलो बॉक्स बनते, अब हमारे सामने तीन बॉक्स बनते और तब जाके हमारा आंसर आता। तो अब मुझे बताइए, हमें 3 साल की बात होगी, कितने साल की होगी, 3 साल की बात। तो पहले साल बताओ, पहले साल क्या होगा, 10% ब्याज लेगा, तो पहले साल का ब्याज बोलो कितना, 10,000 का 10% कितना, 1,000, ये हो गया पहले साल का ब्याज। दूसरे साल आए तो ब्याज पर भी ब्याज, तो इसका 10% 100। अब तीसरे साल आएंगे ब्याज पर भी ब्याज, लेकिन मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल ध्यान से यहां पर चीज देखना, बिल्कुल ध्यान से यहां पर चीज देखना, अब जो मैं यहां बताने वाला हूं इसका लॉजिक यदि आपने समझ लिया तो बॉक्स मेथड खत्म, बॉक्स मेथड का कंसेप्ट खत्म।
तो मैं जो बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान सुनना इस चीज़ को, देखो क्या होने वाला है। ये पहला साल हुआ, पहले साल के बाद जब ब्याज लगा तो ब्याज पर भी ब्याज लग गया। अब जब तीसरे साल जाएगा ना तो अब हमारे सामने ब्याज दो हैं। अगर इसकी बात करें तो हमारे सामने केवल एक ही ब्याज था जिस पर ब्याज लगा और हमारा आंसर आ गया। अब ब्याज हमारे पास कितने हैं? दो, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, अब लगेगा नेक्स्ट तीस साल का ब्याज। तो अब हमारे सामने ब्याज दो हैं। तो आप कहेंगे सर इसका भी 10% हमें मिलेगा। इसका 10% कितना? इसका 10% कितना? 100। इसका 10% कितना? कितना? 10। तो 10 और 100 मिला कितना हो जाएगा? बोलो 110। बात समझ में आई? सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद बोलो एक बार। मैंने क्या कहा था, बोल के देखो इसे क्या है, क्या लिखा है, ब्याज पर भी ब्याज। एक बार खुद बोलो इस लाइन को, मैं एक बार पानी पीता हूँ। खुद बोलो एक बार इस बात को। क्या बोला आपने? ब्याज पर भी ब्याज। तो जो हमारा ब्याज होगा ना, ये भले एक साल का हो, दो साल का हो, तीन साल का हो, हमें सब पता है ब्याज पर भी हमें ब्याज लगाना है। चाहे हमारे सामने एक ब्याज हो, दो ब्याज हो, बताइए हमारे सामने कितने ब्याज हैं? एक और एक दो। तो हमें इसका भी 10% मिलेगा, हमें इसका भी 10% मिलेगा, टोटल मिलेगा भाई 110%। लेकिन मैं आपसे सामने कहूँगा कि आप ऐसा मत करना। आप ऐसे अगर इतना सारा लिख लिख के करोगे तो एक लाइन में आंसर नहीं आएगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमें इसका 10% तो मिल गया, ये तो हमें मिलना ही मिलना है, बस हमें इसका 10% और मिलना, बस इसका 10% और मिलना। तो बताओ 100 का 10% कितना होगा? 10। 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। 100 का 10% क्या होगा बोलो? 10। 100 का 10% कितना होगा बोलो? 10 होगा। 100 का 10% 10 होगा। तो बस आप क्या करना, इस 100 में 10 जोड़ देना, इस 100 में 10 जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 110 आ जाएगा। बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपके मन की बात में सुन रहा हूं। सर आपने कहा पहले साल ब्याज ये मिला तो अगले साल क्या मिलेगा? ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, अब अगले साल जाएंगे तो ब्याज पर भी ब्याज। हम इसे अलग अलग करेंगे तब भी आएगा 110, लेकिन हमें पता है हमने इस बार ब्याज ऑलरेडी ले चुके हैं, बस हमें इसका 10% और निकालना। इस पर 10% कितना? 10। इसका 10% कितना? 10। तुरंत जोड़ दो क्या कर दो, जोड़ दो, आ जाएगा आपका निकल गया। बताइए एक लाइन में आंसर आ गया, बोलो आपका एक ही लाइन में आंसर आ गया। 3,000, 3,200, 3,110। 3,000, 3,200, 3,310। 3,310 ब्याज। अरे आप समझ में आया हो ना, मैं पक्का कह रहा हूँ। नहीं भी आया ना समझ में तब भी स्माइल कर दो एक बार, नहीं भी आया ना समझ में तब भी एक बार स्माइल कर दो। क्यों? क्योंकि तीन साल का जो चक्रवर्ती ब्याज हमें बहुत टाइम लगता था, उसे आप इससे बहुत जल्दी करने वाले हो। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जितनी मेहनत करनी है वो आज मेरे साथ पहली वीडियो में कर लो। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आएगा और आते ही सिलेक्शन देकर चला जाएगा। सर आप कहते हैं सर चार साल का बता दो तो क्या होने वाला है? मैं कहूँगा सर आप तीन साल का क्या, आप मेरे से पाँच साल का पूछ लो, चार साल का पूछ लो, किसी से ही पूछ लो। चार साल के लिए कितने बॉक्स बनने वाले हैं बोलो? चार। चार साल के लिए कितने बॉक्स बनने वाले हैं? अरे बोल दो यार, बोलो स्पीड से। चार बॉक्स बनने वाले हैं। पहले साल जो ब्याज मिलने वाला है बोलो? 10,000 का 10% 1,000। फिर इस पर भी 10%। अब कहानी शुरू होगी यहां से, मार्कर एक बार दोबारा चेंज करूं सर? ये कर लो आप, इसका 10% ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो क्या करो बस इसका 10% निकाल लो। इसका 10% कितना होगा बोलो? 10। मिला, जोड़ दो, कितना हो गया? 110। अब आप यहां इनका ब्याज आप ले चुके हो तो आपका जो कंबाइंड इफेक्ट आया ना वो ये आया। अब इसका 10% निकाल दो बस। आप कहेंगे सर एक अंक पहले लगा तो क्या गया? 11। इसका 10% क्या है? 11। तो 110 और 11 कितना होगा? 121। बोलो कितना हो गया? 121। 110 और 11 121। अब तुरंत इनका इफेक्ट जोड़ दो, कितना आ गया? 4,300 कितना हो गया? 4,300। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जोड़ लेते हैं एक बार, हमारा हो गया 4,300। ठीक है,
कितना आई है 110 और 121, ये हो गया हमारा 200, तो ऐसे बन गया 231 हो गया हमारा, 231 हो रहा गया, 135। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा आज का कंसेप्ट है आपको चीज़ें सिखाना, ठीक है। देखो अगर कैलकुलेशन में मेरे से आगे ही मिस्टेक हो ना तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत देना, कैलकुलेशन हमारी खुद की होती है, हम जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे वो जाएगा, जितने यदि मैं जोड़ लूँगा वो हमारी कैलकुलेशन है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो क्या हुआ, हमने 2 साल का निकाल लिया, 3 साल का निकाल लिया, 4 साल का निकाल लिया, और अब आप जिस मेथड से आपको आता है ना उस मेथड से आपको ना 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। मैं आपके सामने एक वैल्यू बोल रहा हूँ, मैंने कहा आपके सामने प्रिंसिपल है 25,000 रुपये, प्रिंसिपल 25,000 रुपये है, रेट लगी है उस पर लगी है रेट 10% की रेट लगी है, और आपको 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। जो आप एक्चुअल अभी तक आप मेथड यूज़ करते आए हैं आपको उस मेथड से करना, और एक बार फिर मेरे मेथड से करके देखना, आप वाकई में कहूँगी सर इसका वाकई में ही तोड़ देंगे। चीज़ें जितनी आसान दिखती हैं ना, जो चीज़ें हमें वैसे नॉर्मल चमक रही है ना, उनके ना बहुत राज होते हैं, बहुत सीक्रेट छिपे होते हैं। अभी आपको ना ये बॉक्स मेथड थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा पहली बार सीख रहे हो यदि आप, लेकिन इसमें ना इतनी खासियत छिपी हुई है इसमें, इन बॉक्सों में ना इतनी खासियत छिपी हुई हैं, जिन क्वेश्चंस को आप पेपर में छोड़ जाते हो ना टफ समझ के चक्रवर्ती ब्याज के, ये ना जो बॉक्स है ना ये अपने आप में कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपने आप में कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं यदि यही सिखा दूंगा हर चीज़ें तो वो कन्फ्यूज़ होंगे। तो क्या होगा ध्यान रखना, ये जो पहला बॉक्स होता है पहले साल का, ध्यान सुनना, पहले साल का साधारण ब्याज भी वही होता है और चक्रवर्ती ब्याज भी वही होता है। पहले साल का साधारण ब्याज भी वही होता है और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज भी वही होता है। उसके बाद जो होता है वो चेंज होने लग जाता है, उसके बाद चेंज होता है। तो जो मैंने बात बोली ये आपके आगे काम आएगी, जो पहले साल का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि CI भी ये है और SI भी ये है। तो जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ये है, 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है, तो वहां अंतर निकालने में आप जितना टाइम गवाओगे ना उतने तो आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है, सवाल हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा आज की क्लास में, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पाऊंगा, हमने बेसिक सीख लिया था, ठीक है, फिर हमने जो टाइप है टाइप सीख लिए, और मैं आपके टाइप में आज क्या सिखाने वाला हूँ, आज का मैं पैटर्न शुरू कर देता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज पे आधारित क्वेश्चन। लगभग मैं कितने क्वेश्चन लाया हूँ आज क्लास में, लगभग काफ़ी सारे सवाल हैं भैया ना, तो बस ये लास्ट ही पेज है हमारे पास, बस ये लास्ट पेज का यूज़ कर लेते हैं एक बार, फिर मैं पढ़ता हूँ आपके साथ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन आते हैं ना। तो बताइए आज हमारा टाइप फर्स्ट होने वाला है स्टार्ट, टाइप फर्स्ट जिसका नाम क्या होने वाला है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। शुरुआत में यही ले लेते हैं क्योंकि सिंपल है थोड़ा सा, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, शुरुआत इसी से ले लेते हैं, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, ठीक है, CI फाउंड करना है, हमें फाइंड करना है, फाउंड नहीं करना, फाइंड करना। चलिए तो चक्रवर्ती ब्याज में पहला क्या है, ए पैटर्न में जो लेने वाला हूँ, ए पैटर्न होता है आपका एनुअली होता है, जिसे बोलते हैं वार्षिक। जब चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या चलती है, वार चलती है, वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने जिसे बोलते हैं एक साल, ठीक है जी। चलिए दोस्तों बस और कुछ समझाना होगा तो मैं पीछे क्लास को ले लूंगा। ए पैटर्न है जिसे बोलेंगे एनुअली, मतलब वार्षिक। जब चक्रवर्ती ब्याज की दर कैसी होगी, वार्षिक होगी, पर एनम होगी, पर एनम। तो आज एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में कहा देखिए, क्वेश्चन में कहा कि
12,500 रुपए की राशि पर 12.5% क्या बोला, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब है वार्षिक, प्रतिवर्ष माने वार्षिक मतलब 12 महीनों पर वार्षिक 2% ब्याज। यदि ब्याज की दर कैसी हो, वार्षिक हो, यह हमें वहां भी पता चल गया। 12 वर्ष में प्रति वर्ष मतलब हर साल। तो यदि मैं बात करूं आपके सामने प्रिंसिपल क्या दिया, आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल दिया हमारे सामने 1250। आप में बात करेंगे रेट क्या है, तो आप बताएंगे सर रेट है इसमें 12%। आप बोलोगे सर टाइम कितना है, टाइम बोले 2 साल। अरे चिटके में होने वाला सवाल है, बोलो है ना, 2 साल दिया, 2 बॉक्स बनेंगे बस। बताइए चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 2 साल का, तो बोलो बॉक्स कितने बनने वाले हैं, मात्र 2 बॉक्स बनने वाले हैं। कितने बॉक्स बोलो, 2 बॉक्स हमारे सामने बनने वाले हैं। तो बताओ वीडियो को भले ही कम लोग देख रहे हो, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, वे एक बार कमेंट जरूर करना कि सर ये हमारी चक्रवर्ती ब्याज को सीखने की ना पहली क्लास थी, है ना। तो उसी हिसाब से मैं अपने आप को ना थोड़ा सा और अपग्रेड करूँगा कि चीज़ें आसान कैसे सिखाई जाएंगी, और है ना। तो मुझे बताओ 12,500 का 12% कितना होगा, तो आप बताएंगे सर इजी वे में 12,500 का 12% जो होगा, 2 जीरो 2 जीरो कटेंगी, 12 की बटे 12 5 60, 12 2 24, 30 3 लग गया, 12 कम 12 और 3 15, कितना हो गया 1500 हो गया ब्याज। कितना आया इसका, 1500 आ गया ब्याज हमारा। फिर दूसरे साल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा कि पहले साल का यही साधारण ब्याज है, पहले साल का यही चक्रवर्ती ब्याज है। लेकिन क्या पूछ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ब्याज पर भी ब्याज। तो इस पर भी 12% लगाओ, इसका 12% क्या होगा, इसका 12% क्या होगा, आप निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 12% निकाल लो इसका, 2 जीरो 2 काटो, 12 5 60, 12 कम 12 और 6 18, कितना आ गया 180 रुपये। इसका भी हमने निकाल लिया 12% निकाल लिया, तो ये हो गया सेकेंड ईयर का ब्याज, कितना आया 180 आया था। तो बस अब कुछ नहीं करना, हमारे सामने लिखी गई है वैल्यू, कर लो 15 2 30 हो जाएगा ना, 15 2 30 जाएगा 3,080 जोड़ लो, तो आ जाएगा हमारे सामने 3180। बोलो ऑप्शन क्या है, अरे ऑप्शन बोलो, ऑप्शन है मेरा डी ऑप्शन, 3180 रुपये। तो दोस्तों देखा, लेकिन आप सब क्या हो गए, सर इस सवाल को तो हम नहीं कर देते, आपने बॉक्स मेथड का यूज़ क्यों करा। मैं कहूँगा भले ही सवाल छोटा ही क्यों ना हो, सिंपल क्यों ना हो, आप बॉक्स मेथड से ही चलें, आगे इसका खेल समझना, इसका कमाल समझना, रामबाण साबित होगा जरूर, ध्यान रखना मेरी बात। अब कहेंगे सर इसको आप ना सक्सेसिव से करके दिखाओ, आपने कहा था सक्सेसिव भी लगता है ना, इसका सेकंड मेथड से करके दिखाओ कि सर इसे और किस मेथड से हम कर सकते थे। मैं कहूँगा बिल्कुल करो, सक्सेसिव मेथड का भी यूज कर लेते हैं। रेट बताओ क्या है, आप बताएंगे सर रेट है मेरी 12%। 12% का मतलब क्या, 12/100, 4 से काटा 3 बार और 4 से काटा इसे 25 बार, बोलो है ना, 4 से 25 बार 4 3 12। तो क्या हो रहा है, ब्याज का मतलब होता है वृद्धि होना, है ना, वृद्धि। अगर हमारा पैसा पहले 25 था, तो पहले साल में इंटरेस्ट लगा 5 पे, कितने ब्याज लगा 3, कितना हो गया 28, ठीक है जी। फिर अगले साल की बात करता हूँ, दो साल की बात हुई है ना, तो 1 साल की तो ये हो गया, 2 साल में पैसा था 25, फिर से इंटरेस्ट लगा, कितना हो गया 28, 1 साल 2 साल, बोलो यहाँ पर क्या आया, 25 स्क्वायर 625, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 2 64 है, कितना होता है भाई, 4 तो आएगा 884 होता है, 784 होता है, 8 2 64, 8 2 16 और 6 कितना हो गया 22,
आठ दूनी 16, दो दूनी 4 और 1 5, 4, 8, 7, 784। कितना? 784। ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट करता है रेशो में? आप कहेंगे सर ये जो वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल को, जो हमारा स्टार्टिंग में पैसा था। ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, जो पैसा हो गया आफ्टर दैट 2 ईयर, 2 साल के बाद जो पैसा हो गया। तो बस सर आप तो बहुत सिंपल बचा, आप तो बताओ प्रिंसिपल ये है और हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है ये। तो जो 12500 है ये किसकी वैल्यू है बोलो? 625 की, 625 की है। पूछी किसकी है हमसे? इंटरेस्ट पूछा है। अगर अमाउंट पूछता तो 784 की मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा इंटरेस्ट। तो बताओ कितना पैसा बढ़ा, और यूनिट आप पूछा तो कितना ज़्यादा हुआ? तो आप बताएंगे कि 784 में से 625 घटा लो आप, 14 में से 5 गए कितने बचेंगे हमारे सामने? 9, 7 में से 2 गए कितने बचेंगे? 5 और 1 की हमें वैल्यू निकालनी है, 159 की वैल्यू निकालनी है, 159 की वैल्यू निकालनी है। तो 159 एक्चुअली यही आएगा, 14 में से 5 चले गए कितने बचे हमारे सामने? 9 बचेंगे, और 7 में से 2 घटेंगे 5 बचेंगे, और 7 में 6 गए 1 बचेगा। ठीक है, इतना हमारे इंटरेस्ट लग रहा है। ये क्या है? सी आई है। बोलो इनके बीच में जो डिफरेंस आया वो क्या है हमारे सामने? सी आई आया। तो काट लो से भाई, कितने बार जाएगी? 25 से काट लेते हैं, 25 से, 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50, और 25 पंजे 125, 5 एकम 5, और 5 से 5 बार। ठीक है भाई, तो हमारे सामने आया 159 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में आ गया हमारे सामने 5, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। अब इसकी से मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, 0 दो नीम 18, हासिल लगा 1, 0 दो नीम 18 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया 3180। तो आप खुद देख सकते हैं आराले आला सिंभा। ठीक है जी, आप खुद देख सकते हो क्या, अरे भैया रेशो मेथड भी इतना लेंथ ही जा रहा है, रेशो मेथड भी इतना लेंथ जा रहा है, जबकि परसेंटेज चैप्टर में हम रेशो से बहुत जल्दी करते थे क्वेश्चन को। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब ना ऐसे चैप्टर हैं जो हर एग्जाम में आना ही आना है, चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन आना ही आना है ब्याज से। तो क्यों ना हम एक ऐसा मेथड सीखें जो हर सवाल को ना, छोटे छोटे सवाल को तो करे ही करे, वो हमें बड़े सवाल से भी बचाए हमें। तो आज के सामने इससे प्रूफ होता है कि इससे भी अच्छा मेथड हमारा ये है। एक तो प्रूफ मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, ये कौन सा मेथड है बोलो? इसका नाम था बॉक्स मेथड। क्या नाम था इसका बोलो? इसका बॉक्स मेथड इसका नाम है। केवल इतने से में आपका आंसर आ गया, देखो खुद देखना कि आपके सामने कितने से में आपके सामने आंसर आया। अब खुद आप कंपेयर करो कि हमें रेशो मेथड अच्छा लगेगा या हमें जो हमारा बॉक्स मेथड है वो अच्छा लगेगा, बताओ। इससे आपको डायरेक्ट आंसर आएगा, अभी तो आपकी शुरुआत है इसलिए आपको टाइम लग रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं चीजें सीख जाएंगे। बताइए मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में कह रहा है, बोले क्या कह रहा है कि 48,000 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर वार्षिक हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, किस पे बेस चल रहा है? जब हमें वार्षिक देवे, ब्याज की दर क्या देवे? वार्षिक। ब्याज की दर क्या दे रहा है बोलो? वार्षिक कह रहा है। तो हमारा ये टाइप ए ही चल रहा है, अभी टाइप ए ही चल रहा है। तो बताओ प्रिंसिपल कितना है? आप बताइए प्रिंसिपल है मेरा 48,000 रुपए। आप बोलेंगे सर रेट क्या है? रेट है 5%। टाइम की बात करें तो टाइम मेरा 2 वर्ष। अरे सर 3 वर्ष का भी ले लो, मैं कहूंगा बिल्कुल लूंगा, अगला सवाल 3 वर्ष का होगा, लेकिन एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, फिर हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बताइए, तो 3 साल का पूछ रहे हैं ना, 2 साल का, तो सी आई निकालेंगे 2 साल का।
तो सी आई दो साल का, दो साल के लिए दो बॉक्स बनने वाले हैं, दो साल के लिए कितने बॉक्स बनने वाले हैं, दो बॉक्स बनने वाले हैं। तो बता दीजिए जरा स्पीड से कि 48,000 का 5% क्या होगा। तो आप जरा मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ध्यान सुनना बिल्कुल ध्यान से। 48,000 का पहले आप कहेंगे सर 10% तो ये रहा, 10% तो इसका ये रहा। अब क्योंकि 10% ये है तो 5% होगा इसका आधा, कितना हो जाएगा 2400 रुपये, कितना हो जाएगा 2400 रुपये हो जाएगा इसका 5%। फिर आप कहेंगे सर ब्याज पर भी, ये तो है पहले साल का, अब ब्याज पर भी क्या लगेगा ब्याज, तो इसका भी क्या निकालो 10% पहले। अगर इसका 10% ये है, अगर इसका 10% क्या है ये, तो इसका 5% क्या होगा इसका आधा, कितना हो जाएगा बोलो कितना होगा 120, 120। इसका भी 5% कितना आया 120 आया। इसकी कैलकुलेशन करो भाई स्पीड से, 24 दूनी 4800 तो है ही, 4800 में क्या जोड़ना है 120, तो 4800 में 120 जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 48120। तो कहाँ आंसर है इसका 48120। सॉरी इतना सारा ब्याज, बिल्कुल ब्याज नहीं होगा, इतना सारा ब्याज सर जी कैसे कह रहे हो, 4800 होगा, मैंने 48,000 मान लिया सर, वो 4800 बनेगा और ये हमारा 120 आएगा, 0294 4920 4920 4920 is my right answer। देखिए सर जी कितनी सी एक ही लाइन लाइन में हमने आंसर ला दिया अपना, केवल एक ही लाइन में हमने अपना आंसर ला दिया। तो ये अब तो खुश हो जाओ कम से कम, अब तो खुश हो जाओ, उनको खुश 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 करते हो तो एक लाइक का बटन दबा के हमें भी खुश कर दो यार, ठीक है ठीक है जी। तो केवल एक ही लाइन, देखो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हेलो इसे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक ही लाइन में आंसर है, केवल एक ही लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं ये भी लिखूंगा जो लिखा था ना, वो भी लिखने का हूं। अब मुझे बताओ तीन साल की बात कर रहा है, तो मैं लिखूंगा केवल तीन साल की बात, किस साल की बात कर रहा है बोलो, तीन साल की बात कर रहा है, तो सी आई निकालूंगा मैं तीन साल का, तीन साल के लिए तीन तीन बॉक्स बनेंगे, तीन साल के लिए तीन ही बॉक्स बनेंगे, तीन साल के लिए तीन बॉक्स। कितना पैसा है 48,000 है, 48,000 का 5% अभी भी निकल रहा था कितना बोलो 2400 रुपये, इसका हमने 5% निकाला था 120 रुपये, इसका भी 5% निकाले तो आप बताएंगे सर ये तो हो गया कितना 10%, 10% अगर ये है तो 5% कितना होगा 6, तो 6 आ गया इसका 5%, इसका 5% आया 6, इसका 5% आया 6, जो हमें क्या करना इस ब्याज में भी ब्याज जोड़ देना, तो कितना आएगा 126, कितना आएगा बोलो 126 आएगा। तो बस और कुछ नहीं, अब इसे जोड़ दो, 24 दूनी 72 आ जाएगा 72, चलो एक बार लिख लेते हैं 7200, 7 में कितना है 12 दूनी 24 126, जोड़ो इन्हें एक बार 6 6 2 और 2 4 और 1 5 और 7 7566 इज माई राइट आंसर, 7566 इज माई राइट आंसर। और ये बता दो ये रहा आपके सामने सवाल, और अब भी खुश नहीं हुए यार तुम तो, तुम्हें कितनी बार खुश करें हम भाई, तुम्हें कितनी बार खुश करें बताओ भाई हमें, अरे मज़ा आया नहीं आया सवाल में, लाइक कमेंट ठोक दो इस बार भी, ठीक है। आगे आगे सवाल ना और भी शॉर्ट होगा, अब खुद ही सोचो यदि हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, 24 + 72 = 12 = 124 और 126 आ जाएगा जोड़ के 7566, क्वेश्चन को हम लिखने के भी नहीं है तब हमारा आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइम क्या है 3 साल, टाइम कितना है 3 साल है, टाइम कितना है 3 साल, तो बोलो सी आई निकालना है हमें 3 साल का, जो सी आई निकालना है हमें वो निकालना 3 साल का, 3 साल के लिए 3 बॉक्स बनने वाले हैं, 3 साल के लिए कितने बॉक्स बोलो 2 3 बॉक्स बनने वाले हैं, 64,000 का कितने परसेंट निकालना है 7.50 7.5%, इसको आप क्या लिखेंगे, आप इसको क्या बोल सकते हैं,
पॉइंट हटाकर पहले आपने क्या लगाया, एक जीरो लगाई, फिर परसेंटेज को चिन्ह को हटाया तो क्या लगाया, 100 से मल्टीप्लाई की, परसेंटेज के चिन्ह को हटा के भी क्या आया, 100 आया, क्या आया, 100 आया। तो आप बोलेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो क्या निकल गया, 3/40, तो इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 3/40 आ गई। तो अब पहले साल क्या बोल रहा है, 64,000 का, कितना बोलो 64,000 का 75% का मतलब क्या है, 3/4, कितना आया, 3/40, तो काट लो, 4 से 0 काट लो, 4 से कितनी बार फिर कटेगा बोलो, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, तो 6 16 3 48, कितना आ गया, 4800 आ गया, कितना आ गया, 48। तो आप कहेंगे कि जो इसका हमारा 64,000 का जो हमारे सामने इतने परसेंट आया वो कितना आया, हमारे सामने आया 4800, कितना आया, 4800 आया। अब इसका भी मुझे क्या निकालना है, 7.5%, मतलब 3/40 निकालना है इसका भी, 0 से 0 काट लो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 3 36, 360, इसका कितना आया बोलो, 360 आया। चूंकि आप क्या लेगा, ब्याज पर भी ब्याज, तो इसका भी मुझे क्या निकालना, इसका भी मुझे 3/40 निकालना है, 3/40 मुझे इसका भी निकालना है। तो आप खुद कर लेंगे, 360 मल्टीप्लाई 3 3/40, 0 से 0 काट लो, 4 नीम 36, 9 3 27, लेकिन जो हमारा 27 आएगा, जो हमारा 27 आएगा वो इस ब्याज में क्या हो जाएगा, ऐड, इस ब्याज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 60 70 80, तो जाएगा मेरा 387, बोलो है ना, 360 में जी 27 जोड़ देंगे, 387 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे बस सिंपल से, हम इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सवाल और भी हैं आगे, लेकिन आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज की क्लास को केवल यहाँ तक रखते हैं। आपका जो वर्क रहेगा ना, आपका जो वर्क रहेगा, आप बिल्कुल ध्यान सुनना, ये भी यूज नहीं करना है आपका ना, आज आपका जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपको इस तीन लेवल ही करनी है, आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, यहाँ से आपको करनी है प्रैक्टिस, ये आपको प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट वीडियो में, कि इस पूरे कंसेप्ट को मैं 10% 2 साल कैसे निकाल सकता हूँ, 3 साल कैसे निकाल सकता हूँ, स्पेशल ये वाला कंसेप्ट इसका कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस होगी तो सवालों पर कुछ नहीं बचेगा। फिर हम अपने सवालों पर आ जाइए, सवाल एक एक लाइन में होगा, आपने खुद देखा है कि सवाल कैसे एक लाइन में हुआ भी है, कैसे सवाल एक ही लाइन में हुआ था, एक ही लाइन में सवाल। दोस्तों आज की क्लास में यहाँ तक ही रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे एक नए अंदाज में, एक नए जुनून के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, जिसमें हम सीखेंगे अर्धवार्षिक, जब हमसे टाइम देगा अर्धवार्षिक, छमाई बोलते हैं जिसे, वो टाइम देगा, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे, रेगुलर जुड़े रहना साथ में। वो क्यों जुड़ना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ टाइप वाइज टाइप, इस वीडियो की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, नेक्स्ट क्लास में टाइप वाइज चलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर दो, पहली बार मैंने इतने आराम आराम से क्लास ली है, और आज की क्लास वाकई में बहुत बढ़िया हुई है ना, शांति से हुई है, चीज़ों को कंसेप्टली समझा भी है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।